घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से बना भारत का एक प्यारा सा राज्य झारखंड, और इसकी राजधानी से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही प्यारा सा क्षेत्र सिल्ली। यह क्षेत्र बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर है। यहाँ के जंगलों में पानी की उचित व्यवस्था है और जानवरों के रहने के लिए घने झाड़ियाँ और घने जंगल भी मौजूद हैं। हाथियों की तलाश करते करते आज हम पहुँचे हैं सिल्ली रेंज के कोचाजरा के जंगल पे। यह जंगल रामडेरा, जो ऑडियो विजुअल हिरन पार्क है, उससे बहुत ही नज़दीक है और आज हम इसी पहाड़ पे पहुँचे हैं। बीते रात ही इस क्षेत्र से हाथियों का झुंड गुजरा था और यह जगह बड़की टाँड के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे हाथियों का झुंड पहुँचा था। इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में खेती की जाती है। यहाँ पास में ही पानी के स्रोत मौजूद है, जिस कारण यहाँ आसपास की जितनी भी भूमि है उपजाऊ है और यहाँ लोग खेती करते हैं। और इन्हीं खेतों से पार करते हुए आज तकरीबन 20-30 हाथियों का झुंड आगे घने जंगलों में चला गया है, और इन्हीं हाथियों को देखने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे थे। आज कहाँ पे वो रुके हैं ये देखने के लिए हम आए थे। आज हमारे साथ में सिल्ली रेंज के वनपाल श्री जयप्रकाश साहू जी हैं, और उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया। जितने भी किसानों का नुकसान हुआ था उनका निरीक्षण करने के बाद में उनका आवेदन भरा, और किस तरह से आवेदन भरा जाता है इसके बारे में भी लोगों को बताया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन्हीं खेतों से पार होकर हाथियों का झुंड जंगल पे गया है, तो किसान हमें इन खेतों पे ले गए। यहाँ पे हमें ताजे हाथी के गोबर दिखे हैं, आप देख सकते हैं यह बिल्कुल ताज़ा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ कि हाथी का जो गोबर है ये जंगल विकसित करने में बहुत ही काम आता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हाथी अलग अलग जगहों पे अपना पेट भरते हैं और अलग अलग पेड़ पौधों या फल को वो अपना आहार बनाते हैं, और जब वो फल के बीज वेस्ट के रूप में इन गोबर के साथ में निकल जाते हैं तो वो अलग अलग जगहों पे नए नए पेड़ को भी जन्म देते हैं। अभी के समय में जो भी सब्जी या जो भी फल हाथी खाते हैं तो उनके अवशेष उनके गोबर के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, और जहाँ भी वो गोबर रहता है उस जगह पे उस पेड़ या उस पौधे का जन्म होता है। और इसी तरह से जंगल रीग्रोथ करता है और ज़्यादा डेंस होता है और जंगल में नए पौधे भी विकसित करते हैं। साथियों, आज हाथियों ने इस खेत में अपना पेट भरा है और देख सकते हैं ये एक चने का खेत है, और यहीं पे आज हाथियों का झुंड काफ़ी देर तक रुका था। यहीं सामने में पानी का स्रोत भी है। यहाँ से निकलने के बाद वो गेहूं के खेतों पे पहुँचा, और ये गेहूं के खेत भी यहाँ पे देख सकते हैं हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और यहीं पे हाथी पेट भरने के बाद में वो धीरे धीरे आगे जंगल की ओर बढ़े हैं, जिनके साक्ष्य यहाँ पे मौजूद हैं, हाथियों के पैर के निशान मौजूद हैं। और आगे जो पहाड़ आप देख रहे हैं उसी पहाड़ के ऊपर में अभी हाथियों का झुंड रुका हुआ है। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड खाने के तलाश में दोबारा इन्हीं क्षेत्रों पे आएंगे, और ये क्षेत्र आप देख सकते हैं जंगल के बहुत ही करीब है, जिस कारण हाथी अक्सर यहाँ पे पहुँचते हैं। जंगल के आसपास या जंगल के अंदर निवास करने वाले लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि रात को और भोर को अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, यह बहुत ही खतरनाक होता है। हाथी भोजन के तलाश में गांव के आसपास पहुंच जाते हैं, और अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अगर आपको कहीं भी हाथी की जानकारी प्राप्त होती है तो आप उसे अपने आसपास के लोगों में ज़रूर शेयर करें और सभी को ये जानकारी दें। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए हाथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।